कमी नहीं है। बताओ सर एक बार कौन से ब्यात में है फिलहाल? भाई मेरे साथ छठे ब्यात में, छठे ब्यात में, और 20 किलो पोची बस भाई, 20 किलो, 20 किलो पोची, ठीक है छोड़ दो खुली कोई बात। उससे पिछली बार इसने 25 किलो दूध दिया है, 25 किलो दूध। बस कौन से बुल के दोनों बता दे एक बार। तूफान बुल के हैं, तूफान बुल के हैं। सिमन रखवा था, सिमन रखवा, कितने सिमन रखवाए थे? दो ही रखवाए थे, दो ही रखवाए थे। पशुपालन में किसान हमारे जो बोले हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, बैंसरा खा ना रखा, फायदा है नुकसान है, घाटा है फायदा है के कुछ है, सारी बातों का सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिहाग मुरा फार्म पर। रूटीन से एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जो पशुपालन के प्रति एक जागरूक तो होती है और एक जानकारी से बिल्कुल भरी भराई हो है। तो आज की वीडियो भी इसी ढंग से लेकर आ रहा हूं, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। गोई डेयरी फार्म जिला भिवानी गांव कुंगड़ से लेकर आ रहा हूं, एक भैंस से लाखों कमा ली इस ब्यात में, आगे भी हर साल बच्चा दे रही है। कैसे दे रही है, एक ब्यात में इतने लाख रुपए कैसे कमाए जा रहे हैं, सारी की सारी बातचीत करांगे। अपने ओनर है यहाँ के संजय गोयल जी, नमस्कार जी। नमस्कार, दर्शकान कर दो सारे भैया, राम राम भाई। आज तो जमा चढ़ा पड़ रखा है आज की बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, मेरे को भी पता है। और दर्शकों ने सबसे पहले मोबाइल नंबर दे दो अपना, 81420, ठीक है, 31000, ठीक है 31000। और पहले ही बता दो नोट फोर सेल है तीनों की तीनों। हाँ, बिक्री के लिए नहीं भाई, बिक्री के लिए नहीं, जो मुर्रा में थोड़ा सा प्रयास है, ठीक है, जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुर्रा को अच्छी मुर्रा तैयार करें। तो आज लग रहा है अपने को कि ब्रीडिंग पर जो अपन काम किया था वो काम कर रहा है आज, काम बस हुआ है। अच्छा शुरू हुआ पूरा, जब होगा भाई इसकी लाइव मिल्किंग चले, बढ़िया निकले, बढ़िया दूध दे, तैयारी पे आए, ठीक है, तब तो पूरा मुकाम पे पहुंचेंगे। अभी बताता हूँ जी बात क्या है। बात ये है, ये भैंस है भाई साहब की और इस बार डिलीवरी देने वाली शायद एक साल की होगी, 13 महीने की, हाँ, ठीक है, हाँ, तो 13 महीने बाद दोबारा डिलीवरी दे रही है। और ये जो दोनों कटड़ी है ये भी 13 महीने की होगी, 13 महीने की होगी, आज होगी 29 तारीख। अब कई भाइयों को भैया भी 13 महीने की, या भी 13 महीने की, एक माह है ईसा को करो उसके, तो बताना चाहूंगा दोनों की दोनों जुड़वा थी, यही बात भाई साहब, जुड़वा थी। कितने घंटे का गैप था? सात घंटे का। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, अब दर्शक बताएंगे बात। अच्छा, तो ये भी अब तो दर्शक बताएंगे जी। तो सबसे पहले ब्रीडिंग की बात होती है भाई, अगर हर साल आप बच्चा लेते हो अपनी भैंसों से गाय से तो पशुपालन में कभी घाटा होगा ही नहीं, ये मेरी छोटी है चाहे लिखवा के ले लो, धोड़ा पकाड़ा चाहे काला पतोड़ा, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी भैंस की डिटेल दो सबसे पहले, कैमरामैन देखूंगा, फोकस कर दे भाई एक बार, थन क्वालिटी पे, अडर क्वालिटी पे कहीं कमी नहीं है। बताओ सर एक बार कौन से ब्यात में है फिलहाल? भाई मेरे साथ छठे ब्यात में, छठे ब्यात में, हाँ। पिछली बार अपन इसकी वीडियो शूट की थी, हाँ। पिछले ब्यात में भी, हाँ। छठी बार, छठे है, मैं तीसरी बार लेके आया था, उम्मीद तीसरे की थी, चौथी भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से सात में है, हाँ ठीक है, नहीं तो छठे ब्यात में है, छठे ब्यात में जी। अडर क्वालिटी दिखा दे, थन क्वालिटी दिखा दे, गैप इतना है मतलब चढ़ा पट जाओगा जमा, और आगे वाले थना का भी गैप दिखा दिए भाई, पीठ पुठा दिखा दे, लंबाई चला के दिखा दो, चला के दिखा दो, जबरदस्त है, चला के दिखा दो जी एक बार, ये देखो भाई, ये चली भाई छोटी अथीनी। बहुत सारे भाई कंटेंट देते हैं कि छोटी अथीनी देख लो, लेकिन आज वाकई में जो छोटी अथीनी है उसका स्वरूप है, ये देखो कितनी जबरदस्त, बहुत बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त, ये देखो खूब बढ़िया भैंस है भाई, और मजा आव है वीडियो शूट करने में भी, हो सके आप लोगों ने देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता होगा। ये देखो भाई अडर क्वालिटी देखो एक बार, सर जी एक बार यूं बताओ इसका पिक रिकॉर्ड कितना रहा है वो बताओ जी एक बार। भाई पिछली बार तो होगी बीमारी है, दो कटड़ी देने की वजह से ना, एक की तो जेर डाल दी, दूसरे की जेर इसके रह गई थी, ठीक है, और 20 किलो पोची बस भाई, 20 किलो पोची, ठीक है छोड़ दो खुली कोई बात। उससे पिछली बार इसने 25 किलो दूध दिया है, 25 किलो दूध, हाँ पिछली बार भी मैंने बोला था रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे, लेकिन बीमारी भैंस की क्या रिकॉर्डिंग करें, इस बार फिर बोल देंगे, इस बार करेंगे, इस बार कराएंगे, मालिक ने सुख रखा, ठीक ठाक बच्चा दिया, अरे एक बच्चा तो दिया अपने, हाँ, एक बच्चा एक बच्चा दिया तो मिल्किंग जरूर करवाएंगे, दूसरे तो दो बच्चे में दिक्कत आती है, हर चीज की समस्या भी हो है, हाँ, सुलझ जान, हाँ, भी हो है, सुलझ जान तो ये हो गया भाई, दो करेड़ी आ गई सोनप सुहागा हो गया, हाँ, समस्या यह होगी भैंस टूट गई अपनी, भैंस भी टूट गई, फिर दो बच्चों को प्यार करना और पालना बहुत महंगा पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो यूं बताओ अपने इस जो इस भैंस के कितने बच्चे घर पे फिलहाल? दो कटड़े थे मैंने पंचायतों को दे दी, वो पंचायतों को, पंचायतों को दे दी, और ये दो कटड़ी दे थी, ठीक है, पिछली बार और उससे पिछली बार दोनों बार कट रहे थे, ठीक है, फिर दो कटड़ी इकट्ठी आ गई, अब की बार देखो क्या देती है, हाँ, दिन इसके पूरे हो लिए 26 तारीख। अच्छा जो पिछले ब्यात की कटड़ी है वे ये दोनों हैं? दोनों ये कटड़ी है भाई, और दिखाने कई भाई ये बोलते हैं कि भाई
बेचते नहीं तो वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों दिखाते हो? जी वीडियो का मकसद ये होता है जी, जी। कि भाई अच्छा अच्छे से अच्छा पशुधन दिखा जाए, अच्छे से अच्छा पशुधन और दिखा जाए। इनके ऊपर पूरी मेहनत कर रखी है, कोई है। कमी है तो दर्शक बताए भाई ये कमी रह गई। बिल्कुल बिल्कुल। बस कौन से बुल्के हैं दोनों बता दो एक बार। तूफान बुल्के हैं, तूफान बुल्के हैं। सिमन रखवा था, सिमन रखवा। कितने सिमन रखवाए थे? दो रखवाए थे, दो रखवाए थे। एक 17 तारीख को, एक 18 तारीख। अच्छा, एक 18 को। ठीक है जी, ये देख लो भाई, खूब अच्छी लंबाई है, बहुत बढ़िया कर रही तैयार हो रही है। हाइट में लेंथ में कहीं यूं नहीं लग रही भाई, लगभग 13 महीने की कटड़ी हुई है। हाँ। आज कहीं कंपटीशन हो काफ रैली का 1 साल तक, तो मैं नहीं मानता कोई मुश्किल था इन कटड़ियां काटन वाली में लगी। अच्छा। थन क्वालिटी दिखा दे भाई, बहुत मजबूत है। हाँ बिल्कुल, गैप में बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये देखो भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और मतलब कटड़ी 1 साल की हुई है पूरी, और माँ इसकी है, दोबारा अपने डिलीवरी देने वाली है, तो यो फर्क हो भाई। ये देखो, मैंने चौका दिया एक बार उड़ता। तो भाई संजय जी एक बात बताओ, कितनी मतलब डाइट दे दियो, कितना खर्चा लिया होगा लगभग? भाई डाइट तो जितना इनका मुंह छोड़ जो बोलते हैं ना, अच्छा वो तो दूध पिया है, ठीक है, उतना दाना खाया है, ठीक है, और टाइम से टाइम डिवर्मिंग करी है, टाइम से टाइम अपने हर चीज बढ़िया की, हर चीज बढ़िया की है भाई। लिवर टॉनिक दिया है, कोई विटामिंस दिया है, जो चीजें हैं वो सारी दी हैं भाई, सारी की सारी, सारी की सारी दी है। नहीं बहुत बढ़िया, और चला के दिखा देता हूं मैं आज। तो ये देखो भाई, कटड़ी खूब अच्छी तैयार हो रही है, खूब बढ़िया, जितनी तारीफ करा उतनी कम है, पूरी चौड़ी पीठ की। ये देख लो, ये देखो बिल्कुल वही लंबाई जो तूफान वाली होती है। ये देखो जबरदस्त, खूब बढ़िया कटड़ी। और दोनों की दोनों भी, अब सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है भाई जी, ये बताना पड़ेगा ये बुलपे है जी, इसकी माँ के ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी कैसी है, कोई तैयारी में कमी रह गई हो, कोई और अलग आइटम डालना हो? माँ की तो लगभग गाइडलाइन चल गई। हाँ, और देखो हरियाणा मुरा की खान है जी, जी भाई, बहुत भाई, बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं भाई, बच्चे तैयार कर रहे हैं, पाला है जी, किसी आदमी से भी सीखा जा सकता भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं जानकार हूँ। एक से एक जानकार बैठा है, किसी से सीख लो, किसी से सीख लो भाई, सीखने की ना तो कोई उम्र होती जी, जी कोई भी अच्छा और बुरा कोई भी कमेंट आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई, यह भी खूब अच्छी है। तो इनमें मतलब प्लस माइनस कौन सी लगा कर आपने, कौन सी ज्यादा बढ़िया है, या दोनों ठीक है? मेरे हिसाब से उसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा है, इससे उसकी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन करेक्टर सारे सेम है, करेक्टर सेम दोनों के, वही सींग है, वही पीठ है, वही चौड़ाई है। दूसरी बात यह है कि ठंडा स्वभाव इनका बहुत है। हाँ ये देखो, ये बिल्कुल ठंडा स्वभाव है, कोई दवाई बूटी देनी है बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वभाव बहुत ठंडा है इनका जी, जी न कोई भागना न कोई लड़ना, बिल्कुल सोना तैयार होगी। तो नाम भी रख दिया इनका कुछ है? नाम रखा भाई। अच्छा नाम और बता। गंगा जमुना रखा है। अच्छा गंगा जमुना, ठीक है। सरस्वती इनकी माँ का रख दो, सरस्वती इनकी माँ है, और बहन आ गई तो सरस्वती रख देंगे उसका भाई। अच्छा अच्छा, ये तो चल रही है, अपन तैयार करनी है इसकी पीढ़ी, इसलिए नहीं बेच रहे भाई जी, जी बेचेंगे, तैयार करके बेचेंगे भाई। एक भैंस से इतनी अच्छी करड़ी तैयार कर ली, अभी आगे क्या है, और बच्चा दे दी करड़ा दे करड़ी दे, वो भी हम आगे दिखाएंगे डिलीवरी के बाद क्या लेके आए क्या नहीं भाई। और एक इसी चीज में मजा है पशुपालक का, यही है जी। 2-3 जोटी आजकल निखर के आई है, बहुत बढ़िया बढ़िया, कोई 51 लाख की, कोई 61 लाख की, कोई 41 की, 25 की, 18 की। उस पशुपालक की, उस किसान की मेहनत तब कामयाब होती है, ठीक है, जब यू बच्चे तैयार करें फिर वो अच्छी निकले और 2 पैसे अच्छे मिले। अब ये खर की बढ़िया निकले, खर की निकले भाई, तो इसी उम्मीद पे, इसी आस पे है ना इनको तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई इनका आज रख रखाव शुरू से अब तक किया है, जब बच्चा देंगी, जब अच्छी तैयार हो जी, जी जी जी, 2 पैसे अच्छे मिले, बस यही बात भाई। सही बात है, माँ से तो लगभग हाइट लेंथ में जा ले। हाँ, माँ से 6 महीने में निकल जानी चाहिए मेरे हिसाब से, निकल जानी चाहिए ना, अभी दूध की कोशिश कर रही पीने की, देखो। ये तो है जी। तो आपने क्या लगा जी, ज्यादा बुल पे या ज्यादा भैंस पे, आप बताओ अपनी राय में कमेंट में। तो फिर मेरे को ये बुल पे ज्यादा लग रही है, वो भैंस पे लग रही है। अच्छा वो भैंस पे लग रही है, दोनों अलग अलग लग रही है, लेकिन मैंने इनमें परमात्मा ने कर दिया, मैंने इनको खिलाने में पिलाने में दोनों को बराबर, अच्छा बराबर डाइट दी है, बराबर दूध पिलाया है, बराबर दाना दिया है, जो दवाई बूटी थी बराबर दी है, ठीक है। अब परमात्मा की है भाई, ये अच्छी निकलेगी, वो अच्छी निकलेगी, आओ तो जैसी भी है, दोनों अच्छी निकले जी, जी जी वो फिर है, वो दिखाएंगे आपको रूटीन से, दिखाएंगे रूटीन से, बिल्कुल सही बात है जी। तो ये वीडियो लेकर आ था, बहुत बढ़िया लगी होगी आप लोगों को, हर साल बढ़िया सीमन पर यूज करो। सीमन कैसा रखवाना चाहिए बता दो एक बार थोड़ा। सीमन भाई अच्छा रखवाना चाहिए, अच्छा जो जिसकी माँ का रिकॉर्ड अच्छा है, जो बुल अच्छा है जी, जी जिसकी ब्यूटी भी अच्छी है, ब्यूटी भी अच्छी है जी, इतना कोई बुल है उसका कोई फायदा नहीं भाई, उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, ग्रोथ के बिना पैसे नहीं मिलते। बिल्कुल, जब आप तैयार करेंगे दूध पिया जाएगी, बिल्कुल छोटी सी है, 18 किलो दूध है, उसके पैसे उतने लगते हैं जितनी कदकाठी वाली भैंस, जितनी कदकाठी वाली, बिल्कुल सही बात बताई, जितनी जो प्योर होगी उतने पैसे ज्यादा, उतने पैसे ज्यादा लगे, बिल्कुल सही बात बताई। और तभी कहा ना भाई, झोटा शब्द जो है ना, झोटा यूं कौन बनता, अगर
सारा ही नीचा है तो झोटा नहीं मान सकते उसने, उसका कीपर लिया ब्लड लाइन तो हो। और भाई कोई कोई झोटे वाला है बोलता है मेरा आजकल ये इस बात की बाढ़ आई हुई है मेरा झोटे का रिकॉर्ड ये है उसकी माँ का ये है, खटड़ी पहली बार में 25 किलो दूध देगी भाई, किसी कोई कोई बंदा जिसके पास झोटा है मेरी ये बहस है भाई, लाइव मिल्किंग करके दिखा दूंगा, अगला बंदा अपने हाथ से चुवाई कर लेगा उसी के सांड का टीका रखवा दूंगा, यदि पहले ब्यात में 21 किलो दूध देगा तो 21,000 भी नाम दूंगा उसको भाई को, टीके की कीमत 21,000 दे दूंगा। बहुत बढ़िया, यदि कोई दावा करता है तो, और नहीं तो भाई अपनी मर्जी से रखवाते हैं, उसकी माँ का दिखते हैं, बुल का रिकॉर्ड देखते हैं, उसके हिसाब से टीका रखवा लेते हैं, जैसा उसका रिकॉर्ड आएगा वैसा बता भी देते हैं मालिक को, भाई तेरा इसका ये है, अब दीपक आपका झोटा भाई जी जी, इसकी कटड़ी आई है अच्छी है तो मैंने दिखाई है, माड़ी होती है तो भी दिखाता भाई, बिल्कुल बिल्कुल दिखानी भी चाहिए, दिखानी भी चाहिए, लाइव मिल्किंग भी कोशिश करेंगे भाई, भगवान ने परमात्मा ने सुख शांति चाहिए, ठीक ठाक बच्चा दे दिया तो दूध भी दिखाएं, ऑर्डर कैसा बना वो भी दिखाएं। सारी चीजें दिखाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात कीजिए, बहुत बढ़िया इनका काम है, बहुत बढ़िया भैंस बचिया प्रोजनी होगी, आगे पशुपालन में अच्छा काम करो आप लोगों, तब यही उम्मीद रखूंगा अच्छा काम करो थोड़ा, ठीक है। बस प्राइवेट का HLDB का कई बार है ना भाई ये बड़ा बात होती है भाई, HLDB के बुल ऐसे हैं और प्राइवेट ऐसे हैं, अच्छा भाई सब भाइयों को पता है प्राइवेट बुल का किसी का रिजल्ट दूध के हिसाब से कम है ज्यादा है जी, इसका तो मैं नहीं कहूंगा जी, लेकिन एक बात का फर्क है जितने भी प्राइवेट बुल हैं अच्छे फेमस बुल हैं जी, उनके जो बच्चे हैं ना उनकी ग्रोथ बहुत आती है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 45-50 से 60 किलो का होता है, ठीक है। और ये कितने महीने की होगी? ये HLDB की कटड़ी है भाई, कितने महीने की? ये इनके हम उम्र है, इनके साइज इनकी उम्र की है, इनकी उम्र की है 10-26-99 की है करिए भी एक और में। बहुत अच्छा रिकॉर्ड की है भाई कटड़ी, ये भी कैमरामैन तक हूं एक बार साइड में खड़ी करिए, लेकिन इसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, सेवा बराबर हुई है, लेकिन सेवा बराबर हुई दूध, सेवा बराबर हुई उतना लगभग दूध पिला है, उसकी माँ की ग्रोथ भी लगभग इतनी ही थी, अच्छा लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, यदि बारीकी की बात करें तो अच्छी आई है, लेकिन भाई ग्रोथ HLDB थोड़ी सी कम रहती है, पता नहीं क्यों भाई, उनके बुल छोटे हैं, ये बात क्या है समझ में नहीं आई भाई, यही कटड़ी है भाई सेम आपके घर पे ही पड़ी है, ये 13 महीने की है, इनकी उम्र है 5-7 दिन का फर्क है इनका इनका उनका, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है भाई, देखो झोटा शब्द जो बना है नहीं, पहले तो हाइट लेंथ, पहले तो ब्यूटी होनी चाहिए दूध का, तो हम कहते हैं भाई एक वो होना चाहिए, मैच होना चाहिए, लेकिन ब्यूटी बहुत जरूरी है पशु में, अगर बुल सारा 5 फुट का है तो उसके बच्चे नहीं अच्छे आएंगे, हो सकता है दूध अच्छा निकाल दे लेकिन ब्यूटी नहीं आई तो वो कीमत नहीं बन सकती, यही मैं कहता हूँ बार बार, बिल्कुल। और कीमत नहीं बनी तो किसान को कैसा फायदा, कीमत ये है जैसे ये इसका ऑर्डर उनसे भी अच्छा आ गया ना और साइज ज्यादा छोटा रह गया तो फिर उतना पैसा नहीं मिलता, बिल्कुल उतना पैसा नहीं मिलेगा, उतना पैसा नहीं मिलेगा, रेट का बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा जी जी जी, रेट का फर्क आ जाएगा, बिल्कुल सही बात कहता है। तो यही बताता हूँ भाई, किसान को दूध में कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, आपने भी पता, आप भी दूध का काम करो, लेकिन जो अच्छा पशु है बढ़िया ब्यूटी वाला है दूध का भी ठीक ठाक है तो उसको सेल करके मुनाफा है, मुनाफा है दूध से ज्यादा मुनाफा, दूध से ज्यादा मुनाफा, यही मैं कहूँ भाई। सबसे पहले आप ब्लड लाइन तो देखो ही देखो, माँ का दूध कितना है, बाप कौन है, लेकिन दूसरी चीज आप सबसे पहले करेक्टर देखो बुल के, हाइट लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, टेस्टिकल कैसे हैं, पैर सिंग कैसे हैं, सारी चीजें देखो तभी जाकर आप सीमन का चुनाव करो। अगर हाइट लेंथ कम है बुल की, ग्रोथ बहुत कम है, तो मैं नहीं मानता कि वो एक उसका किसान को हो सकता है अच्छा रिजल्ट हो, दूध भी अच्छा दे दे, लेकिन जितना किसान ने मेहनत की है उतना फल, जितना उतना फल उसको जब वो ग्रोथ आएगा, जब बच्चे बच्चा देगा तो उतनी कीमत नहीं उठ पाती उसकी, जितना ग्रोथ वाली लंबी ऊंची तकड़ी कटड़ी है उसका। अब सीधी सी बात है, अब ये कटड़ी आपकी खड़ी है, एक वो खड़ी है, आज भी सेल करने लग जाओ, आज इनमें दिन रात का फर्क आ जाएगा भाई। और अगर चलो मान के चला आपकी भैंस भी दोनों की दोनों अच्छी थी, उसकी माँ भी इसकी माँ भी, ये कटड़ी खारकी 16 किलो दे दे, वो 18 दे दे, महंगी कौन सी बिकेगी? तो ये ज्यादा महंगी, महंगी ये बिकेगी, सीधी सी बात है, बिल्कुल इसी में फायदा है। कोई भी कस्टमर आता है भाई चाहे दूध पीने के लिए, ज्यादातर आजकल तो शौक हो गया सबको, पहले नॉर्मल भैंस लेते दूध पीने के लिए भी, अब सारा आदमी की शौक ये भी अच्छी बढ़िया झोटी हो जी जी और सुंदर हो, दूध से भला 1 किलो कम दे दे, कम दे दे बढ़िया हो। और भैंस का काम भाई ब्रीडिंग का है, ब्रीडिंग का काम तो यही है, दूध बेचने का जो शहर में डेयरी कर रहा है एक बात नोटिस, उसको तो भाई नॉर्मल भैंस, नॉर्मल अपना नॉर्मल भैंस की दूध ले उसने, फिर उसको ब्रीडिंग से भैंस से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल 5 महीने दूध पिया वो कट्टू में बेच दी। और भाई इस बात का ध्यान रखियो, कई भाई भी यूं भी कहूंगे भाई दूध होना जरूरी है, ब्यूटी जरूरी नहीं है, देखो दूध होना ही होना, अकेली ब्यूटी तब काम नहीं चला, ना नहीं चले। अब अगर कटड़ी का बढ़िया सुतरी है सारी चीजें, 8 किलो दूध हो उससे भी काम नहीं चलना, लेकिन मैं यूं कह रहा हूँ दूध भी जरूरी है, ब्यूटी और भी जरूरी है, इस बात पर ध्यान दियो, ठीक है। तो सभी साथियों नमस्कार जी, राम राम सरे भाई, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट एक और जबरदस्त वीडियो में, तो बने रहो चैनल से, वीडियो देखा करो रूटीन से, मजा आओ पशुपालन में आओ, युवा साथियों से यही प्रेरणा है कि एक बार नशा पता छोड़ के अपने संस्कृति में जुड़ जाओ। राम राम जी सारे ने।